शांति। मम्मा का व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी कि उनकी मात्र एक दृष्टि से सामने वाली आत्मा का मन पवित्र और शांत हो जाता था। एक बार मम्मा पंजाब में थी जब कुछ लोगों ने सेवा केंद्र पर हमला कर दिया और मम्मा से मिलने की बात की। यह सभी लोग ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का विरोध करने आए थे और उस सेंटर को बंद करवाना चाहते थे। मना करने के बाद भी वे लोग मम्मा की तलाश करते हुए उनके कमरे तक पहुंचे। मम्मा उस समय तपस्या में बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते ही और मम्मा की दिव्य मूरत को देखते ही जैसे उनका क्रोध शांत हो गया और वो कुछ बोले बिना ही जमीन पर शांत होकर बैठ गए। यह थी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती की तपस्या की स्थिति। उनके शब्दों में जादुई प्रभाव था। मम्मा के वचन प्रेरणादायक व जीवन परिवर्तक थे। मम्मा यज्ञ सेवा में ब्रह्मा बाबा का दाहिना हाथ थी। जो भी मम्मा के साथ रहा उसने यही महसूस किया और वर्णन किया कि मम्मा एक बहुत ही गुणवान आत्मा थी। मम्मा यज्ञ के शुरुआती दिनों में आई और मुरली सुनते ही परमात्मा की सेवा में समर्पित हो गई। 17 वर्ष की अल्पायु में ही मम्मा आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गई एवं यज्ञ की जिम्मेदारियों को अपने हाथों में ले लिया। एक बार जब ओम मंडली के विरुद्ध न्यायालय में केस चल रहा था तब मम्मा ने आकर ऐसी गवाही दी जिससे न्यायाधीश भी मौन हो गए। मम्मा ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार निराकार परमात्मा ने दादा लेखराज को माध्यम बनाया और उनके द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। यह भी समझाया कि एक मनुष्यात्मा यह सत्य ज्ञान कैसे दे सकती है। परमात्मा ही आकर हमें पवित्र रहने की श्रीमत देते हैं। हर एक मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने जीवन की दिशा एवं उद्देश्य स्वयं निर्धारित कर सके। इस प्रकार मम्मा के स्पष्टीकरण द्वारा ओम मंडली ने केस जीत लिया। मम्मा ने सभी को सोचने पर बाध्य कर दिया। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, कोई प्रश्न कोई संशय बुद्धि में नहीं उठा। मम्मा एक तीव्र बुद्धि की मालिक थी। वह बाबा की मुरली सुनकर ज्ञान मंथन करके फिर सुनाती थी। ज्ञान मंथन, धारणा, आत्मनिरीक्षण, आंतरिक खुशी, मौन एवं परमात्मा से सर्व संबंध, यह कुछ विशेषताएं मम्मा ने यज्ञ में आते ही धारण कर ली थी। मम्मा ने सभी समर्पित भाई बहनों का दिल जीत लिया था। सभी उनसे स्नेह करते थे। मम्मा का सिद्धांत था, एक भरोसा, एक विश्वास और न किसी से दुख लो, न दुख दो। वास्तव में मम्मा मुरली व श्रीमत का प्रतिबिंब थी। मम्मा परमात्मा की आदर्श शिष्या थी। श्रीमत धारण करने में उनका कोई तोड़ न था। उन्होंने न सिर्फ स्वयं को कर्मेंद्रिय जीत व स्वराज्य अधिकारी बनाया बल्कि अन्य आत्माओं का भी आध्यात्मिक उत्थान कर मनुष्य से देवता बनने की कला सिखाई। मम्मा की दृष्टि से ही अनेकों को पांच विकार छोड़ने व मम्मा समान श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा मिल जाती है। ओम शांति।